टमाटर मूंगफली की चटनी। 6 टमाटर मीडियम साइज, थोड़ी सी इमली, लहसुन, हरी मिर्च, नमक और भुनी हुई मूंगफली। टमाटरों को गैस पे रख के हम चारों तरफ से हल्का हल्का सेक लेंगे। देखिए इस तरह से भूनना है, चारों तरफ से भून लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसकी प्योरी बनाएंगे। टमाटरों को भूनने के बाद हमने उसके छिलके निकाल लिए। ठंडे पानी में आप 5 मिनट के लिए रख दें तो आसानी से छिलके निकल जाते हैं। उसके बाद हमने मूंगफली जो भुनी थी उसके भी छिलके सारे उतार लिए। अब हम इन सब पेस्ट को ग्राइंड करेंगे। चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीसिए। देखिए मिक्सी में पीसने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। थोड़ा आपने जाड़ा ही पीसना है इसको। एक बड़ा चम्मच तेल मूंगफली का ही लिया हुआ है, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 लाल मिर्ची पाउडर, नमक में डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर हम इसको 7 से 8 मिनट पकाएंगे ढककर। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें, लग रही है चटनी। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं या दाल चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आप इसको चाहो तो फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चटनी बनाने का स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसे लाइक करिए।